नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में, आपके साथ सोनू। ग्वालियर में दवा लेने जा रहे सहायक उप निरीक्षक की जेब से दो जेब कतरों ने 39,700 रुपए पार कर दिए हैं। घटना का पता उस समय चला जब वह अस्पताल पहुंचा तो जेब कटी हुई थी और रुपए गायब थे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पिछले 3 दिनों में यह जेब कतरों ने चौथी वारदात को अंजाम दिया है। तबीयत खराब होने पर दवा लेने जा रहे मंडी विभाग के ASI ओम प्रकाश पुत्र गौरी राम की जेब से दो जेब कतरों ने 39,700 रुपए पार कर दिए। वारदात को अंजाम देने में जेब कतरों को मात्र 10 मिनट लगे और उसके तुरंत बाद ही वह भाग निकले। घटना का पता अस्पताल पहुंचने पर चला जब ASI ने जेब में हाथ डाला तो रुपए गायब थे और जेब कटी हुई मिले। इसका पता चलते ही वह थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस पीड़ित को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और वहां पर लगे CCTV चेक किए तो दोनों जेब काटते नजर आए हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जेब कतरों की तलाश शुरू कर दी है। 3 दिन में जेब कतरों द्वारा यह चौथी वारदात है। 3 दिन पहले डबरा निवासी शिक्षक प्रदीप सक्सेना की जेब से नाका चंद्रबदनी पर 50,000 पार किए थे। इसी तरह पड़ाव थाना क्षेत्र के होटल एम्बियंस के सामने गुना निवासी शैलेन्द्र श्रीवास्तव की जेब से 60,000 रुपए और थाटीपुर इलाके में पवनसुत कॉलोनी निवासी राधेश्याम परिहार की जेब से 11,000 रुपए जेब कतरों ने पार किए थे। पुलिस की परेशानी यह है कि शहर में जेब कटी के लिए लोकल जेब कटों के साथ ही यूपी के मुरादाबाद तक से जेब कट गिरोह आता है और 2-3 दिन में वारदातों को अंजाम देकर चला जाता है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जेब कटों की तलाश फुटेज के आधार पर की जा रही है। जल्द ही जेब कट गिरोह पुलिस के हाथ लग जाएगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।